दोस्तों डीडी फेवरिस का MPG2 सेटअप बॉक्स है अगर आपके पास, तो क्या आप MPG2 सेटअप बॉक्स में देख पाएंगे सोनी मैक्स? जी हाँ दोस्तों, क्या आप देख पाएंगे कलर्स? जी हाँ दोस्तों, तमाम पेड चैनल क्या आप देख पाएंगे? दोस्तों आज पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा सोनी मैक्स आप कैसे देख सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों किस बॉक्स में आप सोनी मैक्स देख सकते हैं, किस बॉक्स में दोस्तों पेड टीवी चैनल देख सकते हैं, आपको अपने MPEG2 बॉक्स में कौन सी किस प्रकार की सेटिंग करनी होगी, पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों हमारे चैनल पे एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है जिसमें दोस्तों हम अपने किन्हीं 10 लकी सब्सक्राइबरों को दे रहे हैं MPEG4 सेटअप बॉक्स बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। तो दोस्तों अब आपके पास अगर MPEG2 सेटअप बॉक्स है तो दोस्तों MPEG2 सेटअप बॉक्स में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मीनू प्रेस करना है रिमोट से, उसके बाद से दोस्तों आपको आना है एडिट प्रोग्राम में। यहाँ पे दोस्तों सभी प्रोग्राम को आपको यहाँ से डिलीट करना होगा। जी हाँ, यहाँ से सभी प्रोग्राम डिलीट करना होगा। उसके बाद से आपको आना है रेडियो लिस्ट में। दोस्तों ये जरूरी सेटिंग्स हैं, जरूरी से कीजिएगा आप लोग। दोस्तों इसको करने के बाद आपका सेटअप बॉक्स हल्का हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा, अब आपके पास कोई भी टीवी चैनल्स नहीं बचा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके MPEG2 सेटअप बॉक्स हैंग कर रहा है तो दोस्तों उसके लिए आपको सिस्टम सेटअप में आना है। वहां से दोस्तों आप कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अभी देखना आप लोग यहाँ पे कलर सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों ये देखो कलर हल्का सा डाउन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे OSD सेटिंग में। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से जीरो कर देना है टेम्परेचर इसका और इसे कर देना है ओके। फिर दोस्तों उतनी ही लाइट हमारे पास आ जाएगी। दोस्तों सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात करें, सॉफ्टवेयर अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको तमाम तरह के डिवाइसों की ज़रूरत होगी, जैसे कि दोस्तों आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उससे दोस्तों आपको कनेक्ट करना होगा अपने सेटअप बॉक्स को। दोस्तों तब आप अपने MPEG2 सेटअप बॉक्स को अपग्रेड कर सकते हो और पूरी तरीके से दोस्तों फर्स्ट क्लास कर सकते हो। दोस्तों अपग्रेडिंग में ये होता है कि आप इसमें लोगो बदल सकते हो, चैनल्स की कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे बदल सकते हो और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो दोस्तों ये तो आप लोगों ने जाना सॉफ्टवेयर अपग्रेड किस प्रकार से होता है, खाली दिखाने से सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों अपने शटडाउन में। दोस्तों ये होता है कि आप जितने मिनट पर सेट करोगे उतने मिनट पर आपका सेटअप बॉक्स आपकी टीवी बंद हो जाएगी। RF सेटअप में दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। NTSC पे कोई टीवी काम करता है, कोई टीवी दोस्तों पॉल DK पे काम करता है, कोई दोस्तों पॉल I पे काम करता है, कॉल पॉल BG पे कोई काम करता है, कोई पॉल NTC पे काम करता है। तो दोस्तों ये तो आपके टीवी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आपको कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। सेटेलाइट गाइड में दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और इसके बाद से दोस्तों डिफ़ॉल्ट प्लेट अगर आप यहां पे कर देते हैं दोस्तों तो एक दिक्कत आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट प्लेट करने पे दोस्तों कोई भी टीवी चैनल नहीं चलता है। यहां पे दोस्तों देखिए मैं कुछ इस प्रकार से करके दिखाता हूं, यहां पे चैनल्स भी आ जाएंगे जो कि दोस्तों चैनल्स होंगे इसी सेटअप बॉक्स के चैनल्स होंगे। और यहां पे दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये कोई भी टीवी चैनल्स नहीं चलने वाला है। और यहां पे दोस्तों आपका एक बंद हुआ टीवी चैनल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ना इस पर सिग्नल आएगा ना ये टीवी चैनल चलेगा। तो दोस्तों हम इसे कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए दोस्तों एडिट प्रोग्राम में आएंगे। एडिट प्रोग्राम में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें पूरे चैनल को कर देना है डिलीट। यहाँ पे रेडियो लिस्ट में भी कुछ चैनल्स आए हैं और पूरे चैनल्स को यहाँ से कर देना है दोस्तों डिलीट। फिर आ जाते हैं दोस्तों सेम पुराना वाला प्रोसेस टीवी चैनल लिस्ट में। दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ एक फ्रिक्वेंसी डालनी होगी। दोस्तों फ्रिक्वेंसी के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ एक फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से डालनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी डालनी होगी। दोस्तों अगर आपको देखना है दोस्तों कलर्स रिश्ते, तो दोस्तों कलर्स रिश्ते तो आपका यहाँ पे चलने वाला नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लेट नाम का एक टीवी चैनल मिल जाता है। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट प्लेट दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों 27490 आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डालनी होती है। उसके बाद से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कर दिया है ऑफ़, और उसके बाद से यहाँ पे कर दिया है LNB2। यहाँ पे दोस्तों हम ऑफ़ कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, फ्री मोड पे मुझे पूरे चैनल देखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोमो टाइम चैनल हमें मिल गया है।
देख सकते हैं आप लोग, ये प्रोमो टीवी चैनल है दोस्तों, जो कि फर्स्ट क्लास हमारे पास अभी चल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर मेरा जो है टेम्परेचर इसका थोड़ा सा लो हो गया है, तो थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ यहाँ से टेम्परेचर। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया है, ताकि दोस्तों हमारा ये जो है फ्रिक्वेंसी में दिखाऊं तो हमारा सही तरीके से दिखे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और फ्रिक्वेंसी डालनी होगी, दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हैं 11590। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 11590 आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 11590 मैंने डाल दिया है। यहाँ पे दोस्तों हमें 29000 लिखना है, यहाँ पे 29000 लिखेंगे सिग्नल आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें स्कैन करना है। यहाँ पे दोस्तों MHRD वाले टीवी चैनल हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हमें बात करें दोस्तों एक कुछ नए टीवी चैनल्स की, तो दोस्तों यहाँ पे LNB फ्रीक्वेंसी हमें डालनी होगी 9750 9750। 200 मैं आप लोगों को बता दूं, ये दूसरी सैटेलाइट के टीवी चैनल्स हैं, 272, उसके बाद 27500, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे LNB 1, और ये फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, यही फ्रीक्वेंसी आपको अपने सेटअप बॉक्स में डालनी होगी दोस्तों। और ये फ्रीक्वेंसी आपको डालते ही दोस्तों एकदम नए टीवी चैनल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने फ्रीक्वेंसी डाल दी है, यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ नए टीवी चैनल देखने को मिल गए हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको कार्टून के टीवी चैनल देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए MBC टेस्ट, MBC 3 एक नया चैनल ऐड हो चुका है MBC टेस्ट, और देखिए कार्टून का टीवी चैनल है दोस्तों, फर्स्ट क्लास टीवी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों MBC मैक्स मिल जाता है, दोस्तों हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों का खजाना है दोस्तों। MBC 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है MBC, और ये देख सकते हैं दोस्तों हिंदी सीरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्लास के हिंदी सीरियल। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को जरूर दोस्तों आप लोग एक बार सेट कीजिएगा। इस सैटेलाइट को अगर आप सेट करते हैं दोस्तों आपकी लाइफ हो जाती है झींगा लाला। दोस्तों इस सैटेलाइट की सेटिंग की वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन चेक करके उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को कैसे ये सैटेलाइट सेट होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आने वाले दूसरे टीवी चैनलों की। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग तमाम टीवी चैनल हैं, जो कि दोस्तों सभी एक से बढ़ के एक टीवी चैनल है, जहाँ पे दोस्तों ड्रामा भरपूर आपको मिलता है। दोस्तों डीडी फ्रीडिस पे आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे टीवी चैनल मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों LNB फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दी है, क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी है मैंने डाली थी इससे पहले वो दूसरी सेटेलाइट की थी, अब मैं जो डालने जा रहा हूँ ये दूसरी सेटेलाइट की 11070 देख लेता हूँ, 11070 है शायद, मेरे से मिस्टेक हो रही होगी, ये फ्रीक्वेंसी 11090 है, जी हाँ 11090 ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने ये डाली है डीडी फ्रीडिस की, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट कौन से टीवी चैनल आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैजिक मिल जाता है आप लोगों को, इंडिया न्यूज मिल जाता है, तक तेज मिल जाता है, बिफोर यू मिल जाता है, जी मूवीज आपको मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ मेन टीवी चैनल्स को मैं फोकस कर रहा हूँ, ये टीवी चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों अगले टीवी चैनल की। अगला जो टीवी चैनल है दोस्तों ये देख सकते हैं 11170 हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। 11170 डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कौन से टीवी चैनल मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दोस्तों हमें सूर्य सिनेमा मिल जाता है, बॉक्स मिल जाता है, गंगा मिल जाता है, बायोस्कोप मिल जाता है, और ये देख सकते हैं सिनेमा मिल जाता है, दंगल मिल जाता है, फन टीवी, नया टीवी चैनल हमें मिल जाता है देखने को दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे टीवी चैनल हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अगली फ्रीक्वेंसी की। अगली फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये देख सकते हैं 11470, यहाँ सिर्फ 4 बदलना है, और ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन से टीवी चैनल हमारे पास आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको NDTV इंडिया मिल जाता है, सोनी मिक्स मिल जाता है, दबंग मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पे आपको भोजपुरी मिल जाता है, बी फॉर यू, और उसके बाद से मूवी प्लस आपको टीवी चैनल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वही भी बात करते हैं दोस्तों अब कुछ नई सैटेलाइटों के बारे में। नया एक सैटेलाइट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, नई सैटेलाइट दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी है दोस्तों LNB फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यही रहने देते हैं, यहाँ पे दोस्तों हमें बदलना होगा, ये देख सकते हैं 87 यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 7250, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे LNB 2 लिखना है। यहाँ पे दोस्तों स्कैन करते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से टीवी चैनल आते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तमाम टीवी चैनल हमारे पास आ चुके हैं, स्टार मूवीज नाम का टीवी चैनल आ चुका है दोस्तों,
गजब दोस्तों, नया टीवी चैनल हमारे पास ऐड हो चुका है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चैंपियन टीवी, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैक्स, देख सकते हैं यहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फिल्मेशिया, वहीं पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्टारलाइट दोस्तों देख सकते हैं, वहीं पे दोस्तों आप लोग यहां पे जो टीवी चैनल देख रहे हैं गजब टीवी चैनल दोस्तों आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसकी भी मैं आगे बताता हूं दोस्तों, इसकी भी मैंने दोस्तों डिश की सेटिंग की वीडियोज का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो दोस्तों इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूं, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे दोस्तों एक नई फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दिया है, और यहां पे दोस्तों देख सकते हैं सहारा के सभी टीवी चैनल हमारे पास प्ले हो रहे हैं दोस्तों। यह है एशिया सेट 105 डिग्री ईस्ट, जहां पे दोस्तों आपको बहुत सारे टीवी चैनल देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसकी भी डिश की सेटिंग की वीडियो मैंने लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो दोस्तों आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही जानदार है, शानदार है और मस्त वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी दोस्तों सोनी मैक्स के लिए आप लोग देख सकते हैं MPG4 बॉक्स में, और इससे सिर्फ MPG4 बॉक्स में ही आप देख सकते हैं सोनी मैक्स।